खैरोली पुलिस थाने के एरिया में कमल चौक में आश्रय ज्वेलर्स दुकान है, ज्वेलर्स का दुकान है। उनके यहाँ पे 3 महिला आकर उन्होंने 25 ग्राम का सोने का चेन ज्वेलर्स को दिया था, और उसके बदले में एक्सचेंज में एक मंगलसूत्र और एक टॉप लिया था। बाद में दूसरे दिन वही महिला में से एक औरत उनके यहाँ पे आई और एक चेन लेके। जब उन्होंने अच्छी तरह से उसकी तहकीकात की और ज्वेलर्स के ग्रुप पर अभी अलग अलग ज्वेलर्स को फंसाने की बात और ये महिला का फोटो सामने आने के बाद में वो आश्रय ज्वेलर्स वालों को ये ध्यान में आया कि ये वही महिला है, तो उन्होंने पुलिस को तुरंत माहिती दी। पुलिस उनके माहिती के अनुसार वो महिला को ताबे में लिया है, और उनसे पूछताछ करने पर ये पता चला है कि वो जो जो ज्वेलरी देते थे, सोने की चेन देते थे, उस पे काफ़ी बड़े पैमाने इस पे पॉलिश किया हुआ रहता था सोने का, जिसकी वजह से ज्वेलर्स को वो समझ में नहीं आता था, और वो एक्सचेंज में सोना लेते थे उसके अगेंस्ट। ऐसी वो ज्वेलर्स के साथ चीटिंग करते थे। ये महिला जो है वाराणसी यूपी की रहने वाली है, और इनके साथ में और 2 महिला है जिनकी तलाश जा रही है। ये बहुत बड़ा गिरोह होने की शक्यता है, वो हिसाब से अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो महिला पकड़ी गई है अनुराधा रमेश सिंह वह वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उनके साथ में पूनम सिंह और कौशल्या पांडे नाम की 2 महिला का नाम सामने आया है जो उनके साथ में थे। उनका भी वो भी यूपी उत्तर प्रदेश वाराणसी से रहने वाले हैं। ये मामले की जांच चालू है और जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे।